গুড মর্নিং গাইস, আজ হচ্ছে আমাদের ডে থ্রি। এখন বাজে সকাল 8:30। সবাই এখন আমরা রেডি আছি, আজকে যাব হচ্ছে সারনাথ। তো এখান থেকে অটো নিয়ে সবাই সারনাথ যাব। ওখানে বুদ্ধিস্ট অনেকগুলো স্তূপাস এন্ড অল আছে। তো চলো রেডি হয়ে তোমাদের জলদি জলদি দেখাবো। তো সবাই এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেছি টোটো সন্ধানে। টোটো নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে সারনাথে। টোটোতে চেপে গেছি, তারপরে যাচ্ছি হচ্ছে প্রথমে সংকটমোচন মন্দির, তারপরে আমরা সারনাথের দিকে যাব। সংকটমোচন মন্দির আমাদের হোটেল থেকে অলমোস্ট সামনেই আছে, 2-3 কিলোমিটারের মতো। এখন জাস্ট আমরা সংকটমোচন মন্দির থেকে বেরোলাম, এবার হচ্ছে আমরা যাবো সারনাথের জন্য। মোস্টলি এখান থেকে ক্যাব নেবো বা অটো পাওয়া গেলে সেটা রিজার্ভ করে নেবো, দেখা যাবেন কি পাওয়া যায়। আর আমরা সারনাথের দিকে যাচ্ছিলাম আর ওয়েদার এখন দারুণ হয়ে গেছে, হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে। এদিকে আমাদের ক্যাব, এখন ক্যাব সিএনজি বানানোর জন্য দাঁড়িয়েছে, পুরো মেঘলা আকাশ হয়ে গেছে, ওয়েদারটা এখন দারুণ। হঠাৎ করে প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি পড়তে লেগে গেছে, তো এখন একটা এখানে আমরা লোকাল লিট্টি দোকানে দাঁড়িয়েছি, দেখা যাক কেমন লিট্টি খাওয়া হয়, গরম গরম লিট্টি খাওয়া যাবে এবার। এই জাস্ট আমরা এখন সারনাথে নামলাম, এখন আমরা একজনকে গাইডকে নিয়েছি, ওরা বললো পুরোটা ঘুরে দেখাবে, মোটামুটি 1 ঘন্টা মতো লাগবে, এখানে 4-5টা জিনিস আছে আর মাত্র 100 টাকা নিচ্ছে। তো আমরা দেখি কোথায় কোথায় ঘোরায় আমাদের গাইড। এই হচ্ছে আমাদের গাইড দাদা, দেখা যাক কেমন ঘোরায়। ये बुद्ध का मेन मंदिर है और इस मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार, मूल मतलब होता है अस्थिर, गंध मतलब होता है सुगंधित, और कुटी का मतलब कुटिया होता है, और विहार का मतलब होता है विचारना। विहार कौन सा? विचारना। मंदिर के अंदर सर धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध की गोल्डन कलर की प्रतिमा है, दीवार पे जापान द्वारा कुछ लोग पेंटिंग जो कि हाथ से बनाया गया है। जाएंगे नहीं हम लोग अंदर? चलेंगे सर, पहले इसकी देखेंगे। उसमें सर इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम माया था, मौसी का नाम गौतमी था, गौतमी का नाम तो हम अपना नाम गौतम ज्ञान प्राप्त होते हैं। सर भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को प्रणाम करते हुए मुद्रा है, क्योंकि एक हाथ भूमि पे है, दूसरा हाथ ध्यान पे है। आएंगे यूज किया जाता था शरीर को स्वच्छ और मन को शांति देने। जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं सर ना सामने, वही बोधि वृक्ष है। पहले चलेंगे हम लोग मंदिर में। आइए ऐसे ही प्रतिमा मंदिर के अंदर है, गोल्डन कलर का, और दीवार पे जापान द्वारा खूबसूरत पेंटिंग है जो कि लाइफ टाइम है, जीवन से लेकर मृत्यु तक का सभी पेंटिंग में उड़ित है। यहाँ ये बुद्ध का मेन मंदिर है, और ये सब पत्थर के टुकड़े देख रहे हैं ना, ये जो पत्थर के टुकड़े देख रहे हैं सर, इसी के यहाँ के गाँव के जो लोग होते सर उसी का काम करते हैं, इसी की टाइपी रहता है, जो मूर्ति बनाई जाती है। जैसे उनका कान का बहुत बड़ा होना था, हाथ का बहुत बड़ा होना था, माथीपुर की बिंदी था, बाल जो जिसको हम लोग बाल बोलते हैं, बाल जैसे उनके शिव की तरह था, और उनके पैर में चक्र, पैर में चक्र होने के कुछ लोग उनको विष्णु के लिए अवतार मानते थे। परिक्रमा, हाँ सर, देखिए परिक्रमा किसी भी धर्म में वो अनिवार्य होता है, माना जाता है। तो हम कुछ आश्रम में गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं जो दिखाती हुए बताती हूँ आपको। सर देखिए ऐसे ही प्रतिमा कुशीनगर में लेटे हुए हैं,
भगवान बुद्ध के चार धाम है, लुम्बनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बनी नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बोधगया बिहार में है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में पा निर्माण हुआ था समाधि स्थल में, कुशीनगर ऐसा गोरखपुर के पास। और गोरखपुर में ऐसे ही प्रतिमा है, चंदन की मूर्तियाँ बड़े से, और उनके पैर में चक्कर सर, इसलिए उनको विष्णु के लोग बता रहे हैं। ठीक है सर, आइए। मंदिर दर्शन करने आने के बाद थोड़ा फूड फूड मत करिएगा, फिर उसके बाद इसमें बोधि चले जाएंगे। अच्छा, नंगे पैर जाएंगे बताएंगे। ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं ना सर, ये बोधि वृक्ष का वही शाखा है जिसके नीचे गौतम बुद्ध फागु नदी किनारे बोध गया में तपस्या की थी और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसका सिंपल है, पहला शाखा इसका है बोध गया में, पहला तो मान ली शशांक नष्ट कर दिया, उसके बाद जो शाखा निकला था श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संगमित्रा ले गए थे। सम्राट अशोक के पुत्र श्रीलंका से कलम पापी करके अन्नागर धर्म पाली ला करके यहाँ पे लगाए। जो तांबे का देख रहे सर, ये धर्म चक्र है, जैसे हम लोग माला फेरते हैं ना, ऐसे बुद्धिस्टों का धर्म चक्र है। आप इसको राइट हैंड से घुमाते हुए प्रतीक्षा कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, इसको घुमाने से हृदय परिवर्तित होता है, मन को शांति मिलता है। क्या मतलब, घड़ी की दिशा में घुमाना है? हाँ सर, जैसे राइट हैंड में घड़ी घूमता है ना, उसी दिशा में। और एक ही आसन में देखेंगे सर, गौतम बुद्ध जी की 27 मूर्तियाँ जो कि अलग अलग नाम से हैं। 28वें को सिद्धार्थ रूप में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं कि 4 साल तपस्या किए उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उनका जापान द्वारा मानना है कि और सारी उनकी जन्मी हुई जैसे बुद्धाश्रम के रूप में हुआ था। चलेंगे आगे, मुद्राएं दिखाएंगे उनका। ये गौतम बुद्ध जी, इनके 5 शिष्य हैं, कैसे उपदेश दे रहे हैं, वर्मा द्वारा इनका मॉडल बनाया गया है। इन 5 शिष्यों का नाम है सर, कंडेन, वप्पा, भद्या, महानामा, अश्वजी। ठीक है सर, एक जर्मन के जोड़न का घंटा ढूंढ किया है। ऐसा घंटा आपको चारों धाम पे देखने को मिलेगा, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आप सर अंदर जाएंगे, चक्कर राउंड करते हुए फोटो कैप्चर कर लेंगे, कोई चार्ज नहीं। और इधर तो सब जो नया वाला पत्थर देख रहे हैं ना, ये 1905 का रिपेयर किया हुआ पत्थर है। और बुद्धिजियों में दो धर्म के लोग होते हैं, हीन ज्ञान होते हैं, दूसरा महायान होते हैं। हीन ज्ञान जो होते हैं स्तूप का पूजा करते हैं, और महायान जो होते हैं मूर्ति का पूजा करते हैं। जैसे जैन धर्म में दिगंबर और पीताम्बर होते हैं ना, ऐसे बुद्धिस्टों में भी दो धर्म के लोग होते हैं। स्तूप का बुद्धिजियों में हीन ज्ञान जो होते हैं सॉरी स्तूप का पूजा करते हैं, और महायान जो होते हैं मूर्ति का पूजा करते हैं। जी
मंत्र है ओम मरे पद्मते हूँ, इतना मंत्र इसी में इतने छोटे से लगे लिखा हुआ। क्या लिखा है ये? ओम ओम मरे पद्मते। भाई इसका बोलो कैसे जरा। এখানে যে সিম্বলটা লেখা আছে ওটার মধ্যে ওম মানি হাত পদ্মে হামটা পুরো লেখা আছে একটা সিয়ার মধ্যে। আমরা সবসময় বাইকে বা গাড়িতে যে কালারফুল ফ্ল্যাগটা লাগাই লাদাখের বলে, ওইটার মধ্যে যা যা লেখা থাকে একটাই সিম্বলের মধ্যে। का धर्म पाले श्रीलंका उनके द्वारा मंदिर बनाया गया था, वहाँ आपको मिट्टी का ये 280 का बना था। 1905 में खुदाई हुआ था, 155 को दिया और यहाँ पे टेम्पल के तौर पर लगाया गया जो सामने देख रहे हैं, ठीक है। और इसके विषय में जान लेते हैं, ये जो चार चिन्ह होते हैं चार दिशाओं के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। बैल का मतलब होता है किसी प्रधान देश का, घोड़े का मतलब होता है रफ्तार, हाथी का मतलब होता है बलवान, और सिंह का मतलब होता है हाथ जंगल का राजा, नहीं वैसा माना जाता है। जो दिल्ली देखा है सब 24 होता है, जो तिरंगे में आप देखेंगे वो हर घंटे का प्रतीक होता है, जो 24 घंटे होते हैं ना उसी का प्रतीक है। नीचे है सर लोटस कमल का फूल, राष्ट्रीय चिन्ह सर राष्ट्रीय स्थल। ये मंदिर सर संस्कृत द्वारा 1939 में बनाया गया था ब्रिटिश काल में, इसमें लाखों बुद्धांजों की गिर चुक है। पीछे है भूमि मॉडल बना हुआ भी मंदिर, मॉडल बनाया हुआ भी मंदिर तैयार नहीं है इस समय। इस मंदिर का देख रहे थाईलैंड के राजा कर रहे हैं, तो बगल में थाईलैंड के राजा का भी फोटो है सर। अशोक स्तंभ है, चक्र है, धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, और पीछे जो है बुद्धा सत्य जो इस पीछे वो बुद्धा सत्य जो 27 शिष्य मूर्तियाँ दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब बैठे